मैं आपका मेंटोर AK सिंह, और आज फिर हम अपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के यानी कि BLIS 03 देखेंगे, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का। और आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, यानी कि सेकंड चैप्टर का लास्ट चैप्टर टॉपिक बचा है, गणितात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ना था, वर्गीकरण के गणितात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ना था। सिद्धांत है क्या और इसके बारे में छोटा सा चीज़ आपको बतानी थी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो सबसे पहली बात आती है, यानी कि सबसे पहली बात आती है कि पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण का गणितात्मक सिद्धांत है क्या, यानी कि जो आपका क्या है लेसन नंबर, यानी कि यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 2 चल रहा है। तो इसमें क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत में कहीं ना कहीं यह दूसरा स्तर होता है, और ये कहीं ना कहीं नए जन कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जाती है, पुराने ज्ञान से विचारों के माध्यम से अपने क्रम बिगाड़े बिना, कहीं ना कहीं जो क्रम आपका बिगड़ा है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़े बिना कहीं ना कहीं चीज़ों को लिया जाता है। और ये किसका, यानी कि इसे लेके आने वाला या विकास करने वाला कौन है, आपके SR रंगनाथन। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रंगनाथन जी हैं। और रंगनाथन जी यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों में इनका क्या करा है, इन्होंने योगदान दिया है। और जो यानी कि रंगनाथन के कार्य योजना के हिसाब से तीन क्या है भागों में विभक्त किया गया है, यानी कि बांटा गया है, विचार स्तर, शब्द स्तर और अंक स्तर। लिख लीजिए किसे कितने भागों में बांटा गया, विचार स्तर, शाब्दिक स्तर, अंक स्तर, ठीक है। ये आपके क्या आ जाएंगे, इसके इस तरह आ जाएंगे। अब गणितात्मक सिद्धांत है क्या, अगर हम लेके चले तो गणितात्मक सिद्धांत वह है जो पुस्तकालय वर्गीकरण की पद्धति को बनाए होते हुए और कहीं ना कहीं उसके समान, यानी कि जो उसी इसी तरह के सिद्धांतों की पद्धति को, यानी नए विचारों और पूर्व ज्ञान के विषयों को सहयोग करके और अनुरोध को भंग किए बिना, यानी कि भंग नहीं करना, उसे भंग किए बिना सही स्थान पर व्यवस्थित करने की बात करता है। क्या करता है, सही स्थान पर करने की बात करता है। और ये आया कब भैया, रंगनाथन ने आपको कब बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था, यानी पहले पढ़ाया था। तो रंगनाथन आपको मैंने बताया था कि ये आपका कहीं ना कहीं गणितात्मक सिद्धांत का विकास आपका 1943 से लेके 55 तक हुआ था, और इसके मध्य हुआ था। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से आपका जो इसका द्वितीय संस्करण था, यानी कि जो कहीं ना कहीं इनकी बुक थी, बुक का नाम बताइए जो मैंने अभी लिखवाई थी, यानी कि ये भी आपको बताना चाहिए, बुक का नाम आपको कहीं ना कहीं मैंने आपको बुक का नाम भी लिखवाया था, और उसका नाम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है। चलो इतना तो मैंने बता दिया, 2 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट वर्ड बताना आपको, यानी 2 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसका क्या है, और इसका प्रकाशन क्या हुआ, यानी द्वितीय संस्करण आपका था, सेकंड एडिशन आपका 1957 में आया था। तो ये आपका कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। और इसका क्या है, तृतीय संस्करण आपका कब आया, 67 में आपको देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है इसके आधार सूत्र क्या है, यानी कि रंगनाथन ने 6 आधार सूत्र दिए थे। कितने आधार सूत्र दिए थे, रंगनाथन के 6 आधार भूत सूत्र हैं, जिसमें क्या है, लॉ ऑफ इंटरप्रेटेशन, दूसरा क्या है, लॉ ऑफ इम्पार्टिलिटी, सिमेट्री, पार्सिमनो, वार्सिनेशन, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाती है श्रृंखला, क्या है, 5 मूलभूत श्रृंखलाएं हैं
इनका ये पता होना चाहिए आपको, पांच मूल भूत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें क्या है आपका सबसे पहले है पक्ष विश्लेषण, दूसरी है अवतनन की अवधारणा, इसमें क्या कहा है पहले वाले में क्या है, किसी भी विषय को या मुख्य वर्ग जो वर्ग है उसमें पक्ष को निश्चित करने के लिए प्रक्रिया को पक्ष के विश्लेषण किया जाता है, यानी कि उसका विश्लेषण करा जाता है इस तरह से, इसलिए विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में यानी पक्ष विश्लेषण कहा जाता है। दूसरे में क्या आपका आ जाएगा, रंगनाथन के अनुसार आपका जो व्यक्तित्व है पर अर्थ है ऊर्जा है और आपका यानी PMEST ठीक है, आपको पता है सबको मैंने बताया हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें आधार यानी कि एक विषय में एक ही आधार को यानी कि उसका चीज़ों को लिया जाता है, तो इसके ही आप क्या हो जाएगा। फिर आ जाएगा स्तर के आधार पर, फिर आपका सहयोग अनुक्रम नियम, सहयोग अनुक्रम नियम में भी आपके क्या है प्रिंसिपल ऑफ लेट इन टाइम, प्रिंसिपल ऑफ लेट इन यानी कि इवेल्युएशन, फिर आपका क्या आ जाएगा टॉप डाउन वाला यानी प्रिंसिपल ऑफ टॉप डाउन वर्ड, बॉटम अपवर्ड वर्चुअल लाइन आ जाएगी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये आपका कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपके देखने के लिए मिलेंगे, तो ये आपको पता होने चाहिए। वैसे मेनली आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछी जाती है मेनली आपके जो पूछे जाते हैं गणितात्मक सिद्धांत क्या है, गणितात्मक सिद्धांत के आपको ये एक आधा पॉइंट लिख दो, ज़्यादा से ज़्यादा आता नहीं है। मेनली आपका क्या है सबसे पहला क्वेश्चन आपको यानी कि पहली यूनिट में पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वर्गीकरण क्या है, ठीक है, पुस्तकालय वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, किस तरह से करा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है सेकंड चैप्टर में यानी सेकंड चैप्टर भी आपको खत्म हो गया, आप इसके क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी आपके कंप्लीट करा देते हैं। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।